7390। सो मैं और मम्मी कहीं जाने से पहले हम मार्केट ना जाएं, ये हो नहीं सकता। सो मैं मम्मी यहाँ पे बगल में अंकल हैं, घर के बगल में रहते हैं, उनसे बात कर रही है। स्वेटर पहन लो तो गर्मी हो रही है, नहीं पहनो तो ठंड लग रही है, पता नहीं कौन सा सीज़न चल रहा है। सो मैं और मम्मी जा रहे हैं हमेशा की तरह कहीं जाने से पहले मार्केट। तो जिनकी बेटी की शादी है आजकल लोग ऐसे हो रहे हैं। जाने से पहले मार्केट जाना हमारे घर का सबसे बड़ा परंपरा है, जो हमारे घर जरूर निभाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग गए थे सुनार की शॉप पे। आप लोग सोच रहे होगे ना कि यार इनको कितना काम होता है गोल्ड की शॉप पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि जाना पड़ता है। आजकल ये एंटिक नेकलेस ये सब कितना चल रहा है ना, बट मुझे इतना नहीं पसंद आता है, आप लोग को कैसा लगता है? और फिर हमने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया, मम्मी के लिए नोज़ रिंग ली दो, एक मैंने अपने लिए ली, खुद को मैंने अपने आप को दिया अपना बर्थडे गिफ्ट इस बार। सो बहुत सुंदर सा लिया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मतलब मैं मम्मी का ही देख रही थी, मम्मी के लिए लेना था क्योंकि उनका जो नोज़ रिंग है उसका जो पीछे का लॉक होता है वो गिर गया था, तो उनका नाक एक मेरे पास था पहले का, तो मैंने वो दिया हुआ था पहनने के, पर वो मम्मी के फेस पर इतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये लेते हैं। 58,000 रुपये का लेके बात नहीं है। अब ऐसे चैन नहीं लेना मम्मी, अब मैं ऐसे चैन लेना ऐसे, क्योंकि अब हमारे पास वैसे चैन सब हो गए हैं। तो ये वाला जो चेन है ना, ये मम्मी को बहुत पसंद आ रहा था, वो बार बार उसको देख रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली था, अभी नहीं था बजट में इतना। तो मैंने बोला कोई नहीं मम्मी बाद में ले लेंगे। ये दो तीन चेन ना मम्मी को बहुत पसंद आ रहा था तो वो देख रही थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो कोई नहीं बाद में देख के ले लेंगे, अभी तो मतलब लेंगे बाद में। फिर जो मैंने यहाँ नोज़ पिन लिया है ना, वो बहुत अलग सा मुझे दिख गया उस तरीके का। आजकल मैंने दो तीन लोगों को देखा था पहने हुए, तो मैं भी ढूंढ रही थी कुछ मिल जाए। अब पता नहीं फेस पे पहनने के बाद कैसा लगेगा, आप लोग कॉमेंट में बता देना। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। कौन आया? तबियत खराब, कहाँ तीन दिन से नहीं जा रहा। क्या हो गया? पेट में दर्द। क्या हो गया तबियत? नानू है ये, तो धनुआ के नानू है, यही वाला है। हाँ, इसमें टैग वैग डाल दिए, तोड़ दी थी। अरे पहना दी थी, उसके बाद चिल्लाने लग गए, नहीं पहन दी थी। मुश्किल लग रहा है मुझे, टैग वैग डाल दिए, पहन ही नहीं रही थी, तो क्या करो। नानी कैसे मुँह चलाती है अपने नानी को, सामने नहीं बता रही थोड़ा सा वो कर कुछ। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते, चाय रखो का ना, मैं तो चाय पी के आया। सो गाइज, हम लोग मार्केट से घर आ गए और घर आते ही पापा भी आए हैं, ब्लर क्यों है मेरा कैमरा, और पापा आ गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि दिवाली के टाइम पे पापा एक कपड़े लेके आए थे मेरी दिवाली के टाइम पे, मतलब मम्मी पापा ने भेजा था, तो वो उसमें ना थोड़े से सितारे वितारे थे, तो धनवी वो बिल्कुल रोती थी, पहनती नहीं थी, तो थोड़ा सा महंगा था, तो फिर मैंने सोचा रख के क्या फ़ायदा, उसको चेंज करा देंगे। बिल वगैरह सब मैंने वैसे संभाल के रखा था, तो वो लेने के लिए उन्होंने बोला मेरे पापा को, फिर जस्ट मेरे घर के पास ही है, ससुराल के पास, मतलब बहुत पास है। तो मैंने वो, उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा नीचे से लेके और चला जाऊँगा, मुझे ऊपर मत बुलाना, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट है 4 बजे, पापा को सुबह ऑफिस जाते हैं तो थके हारे रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो जैसे नीचे आए, हम लोग भी आए और मम्मी पापा ने उनको देख लिया,
तो वो वहाँ से बाइक लेके आगे निकल गए कि ना देखा। फिर मम्मी ने मुझसे फ़ोन कराया कि अपना पापा के फ़ोन करा कि हम देख ले लें बनी बुलावा। तो फिर फ़ोन करके बुलाया पापा को, तो पापा से बोला कि होने कहाँ गए नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं से आते बनी, तो कह रहे अच्छा हम देखनी है कि रोना होने गए नहीं है। तो फिर कह रहे हैं वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट था तो बुला लिया पापा ने, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती। फिर उसके बाद पानी पिया तो पापा जी कह रहे हैं चाय वाय पी के तब आराम से जाएंगे, तो बैठ के बत कहीं चल रही है। आप ही कर दो बाय नानी। चलोगी? ठीक है जा बाय। छोड़ दो और चलते बाय कर दो बाय कर दो। मम्मी नहीं जाएगी खरीद के ले आई। धनी चलो ले लो। चल तो आएंगे चलेंगे घुमाऊं। धनी अब जा रहे हो आप मम्मा को छोड़ के? प्लीज ऐसे मत करो। आप जाओ दादी के पास। दादी के पास तो मैं रोऊंगी आपके लिए। बोलो कि अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। आँख चढ़ा हुआ है सोने के लिए, इसका टोपी नहीं मिला। सुनो नानू के घर कल चलेंगे, पक्का चलेंगे। अभी नानू के घर अच्छा सामान लेके चलेंगे नानू को। फिर आऊंगा भाई। धनवी इधर आओ। तो ये बच्चा नानू के घर जाने के लिए कितना लोलाहा है। अच्छा चलेंगे कल चलेंगे पक्का। कल मैं आपको पक्का नानी के घर लेके चलूंगी। ओके नानी पासी से मिलवाऊंगी, मामू से मिलवाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। हो गया इधर चल। बर्थडे मम्मी एनिवर्सरी गिफ्ट कुछ दिए थे? सो गाइस मैं और पतिदेव जा रहे हैं पार्लर। पतिदेव अपने बाल कटवाएंगे और मैं क्या करूँगी अपनी आईब्रोज करवाऊँगी। और मेरा बर्थडे गिफ्ट आपने देख लिया जो मैंने स्वयं जाके परचेज किया है। ठीक हो गए हैं आप? आपकी तबीयत ठीक होगी? क्या करें भाई, इसके बर्थडे के लिए ठीक करना पड़ा। लोग कहने लग जाएंगे कि वो देखो कितनी वो है। क्या है? सेल्फी से जबरदस्ती अपने पति को, बीमार पति को लेके जा रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कराने। फैमिली की खुशी के लिए हमने हमेशा सोचा है, आगे भी सोचते हैं। सो गाइज मेरा आईब्रो बन गया था, मतलब हम लोग मार्केट पहुँचे, मुझे ना सिर्फ आईब्रोज ही कराने थे और कुछ नहीं कराने थे, बट बहुत भीड़ थी तो हेयर कटिंग में टाइम लग रहा था पतिदेव का। तो तब तक उन्होंने बोला कि नहीं कि नेल एक्सटेंशन करे, जेल नेल पेंट करा लो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है जी करा लेते हैं, फ्री में बैठे हुए हैं तो करा लिया। घूमने भी जाना है तो अच्छा लगता है घूमने जाने से पहले ये सारी चीज़ें कराना, तो मैंने करा लिया था। हम अपनी बेटी को घर छोड़ के गए थे 5:30 बजे, घर में घुस रहे हैं 7:30 बजे। अब हमें घर से निकाल दिया जाएगा, कल मेरा जन्मदिन यही रोड पे मनेगा।
सो गाइज ये दिख नहीं रहा यार कैमरे में, बहुत लाइट करा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लाइट चीजें भी होनी चाहिए, हमेशा डार्क ही रहती है मेरी सारी चीजें। क्या धनवी क्या करवा रहे हो, क्या लगवा रहे हो? वो बच्चे नहीं लगवाते धनवी, नहीं मुझे लगा दो। ये दो कैसे लगाते हैं, लगा के बताओ तो। सिर्फ वन फिंगर पे, वेरी गुड, हो गया। नहीं बेटा अब ये गंदी बात होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, रखो रखो रखो, लगा रही हूं। पापा को तो दिखाओ, ठीक से लगा। थोड़ा सा ऊपर लग गया तो क्या, ये क्या कर दिया। नहीं छी, अब दिखाओ, सबको दिखाओ, गाइस को दिखाओ, गाइस को, गाइस को दिखाओ, और फूंक मार के दिखाओ। सुखा लो अपना, सुखाओ धनवी, दिखाओ कहाँ गई वो दुल्हन। रात का नहीं, वही जरा वाला कौन लाया है, कौन लाया मम्मी? मुझे लगा मम्मी लाई है। लगा मम्मी लेके आ रही है केक, मैं कह रही मम्मी कैसे ऑर्डर कर लेंगी। कौन लाया बाबू, कौन लाया? ये मैं लाया। आप लाए हो? मैं नहीं, कोई अंकल लाया। फोन कहाँ है? फोन इसने लिया था, अंकल आया, कह रहे फोन करने तो फोन ही नहीं उठा रहे, पर नंबर ऊपर तो आ रहे हैं, दिखाई ना सब। आप किए हो, आप किए हो? धनवी इतने बेटा, अब क्या हम लोग का बर्थडे बनेगा देखने मम्मी, ये लोग मनाने देंगे। 12 बजे काटेंगे ना, रुको पहले, रुको भैया, रुक गया, 12 बजे काटेंगे। सो गाइस, मुझे मिला एक प्यारा सा सरप्राइज, मेरा प्यारा सा सरप्राइज। आज सबसे ज्यादा हमारे घर में सबसे ज्यादा किसी का बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, हमारा बेटा सबसे ज्यादा खुश होता है ना। फुदनी है ना, फुदनी देखो केक। धनवी इधर आओ, इधर क्यों रो रहे हो? क्या तोड़ देगी ये, मतलब चाची का केक नहीं कट रहा इसलिए रो रहे हैं, चाची की तबीयत ही खराब हो गई है, पता नहीं मेरे इतना ज्यादा पेन हो रहा है सर में, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कटेगा बट क्या केक, और ये मैं वहां छुपा के रखते जब अब सो जाते तो मुझे सरप्राइज देते, जनवी जब सो जाती तो मैं ऐसे ऐसे करके जगा देता तो आपका हैप्पी बर्थडे बन जाता। धनवी ने आपका सरप्राइज खराब कर दिया, मैं अभी भी सो जाऊंगी ठीक है, आप ऐसे से कल लाऊंगा, कल आप लाओगे? नहीं मैं अभी सोने का नाटक कर ले रही हूँ, अभी आप लेके आ जाओ, उस पे आपका नाम और सुमित चाचू का नाम लिखा देना, ठीक है लिखवा देना, ओके ठीक है, और अब रो मत। मतलब मम्मी बर्थडे हम
मोबाइल में बर्थडे हम बनाई बाबू बाबू निकट ठीक करो कल चाची नहीं रहेगी ना तो इसीलिए सबको बुला लो पापा को 12 बजे उधर ही काट लो अभी तो कटाई की ना कटाई मोमबत्ती से बच सही नु वो जमा कर ले हम काट के हम करे मम्मा बस चलो मम्मा का बर्थडे थोड़ा अभी ले आप ही ले लो आप ही बर्थडे मना चलो उधर दादी बाबा ये तो नींद है भैया का बर्थडे थोड़ी है क्या हुआ किसका बर्थडे है किसका बर्थडे है बाबू गिर जाएगा गिर जाएगा बबरू को गिर जाएगा लगी गया रुको बैठ इधर से काटेंगे यार तो पहले काट देगी इधर इधर बैठो भैया और धन भी इधर बैठो भैया आप इधर बैठो इसको पकड़ो फिर बैठो घूमने लग जाएगा काट देगी इसमें का कैंडल कहाँ गया कैंडल कैंडल सब टूट गया तो 12 बजे इनके काटने इधर से पहले क्या काट दूं मैं लो लो ये कैंडल ये लो ये वाला कैंडल ये तो है मंत्री कैंडल में आया था उन्होंने दो बेचारे रो गए नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं करना अभी हैप्पी टाइम बाबू बाबी बर्थडे में जिंदगी भर याद रहे दिया नहीं तो खोलो मैं खोलो बाबू तो मैं खोल दूं माचिस किसके पास है माचिस माचिस तो बाबा के पास है हमें ये काटेंगे क्या बोले पापा नहीं आएंगे अभी सो रहे
मम्मी का डैड और पाप मैं सोरे मम्मा भी बात हो गए। अच्छा पिछले घंटे से मेरा बर्थडे चल रहा है, एक घंटे से मेरा बर्थडे कर दिया चल। दोनों को दे दो केक और ये दोनों केक काट ले। हैप्पी बर्थडे डियर धनवा धनवी निक्की, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कुछ नींद में सोए हुए हैं पूरा, अब मैं गई तभी सो गए थे वो कंबल में बोलो। बाबू पूरे ऐसे ही हाड़ो नहीं बाबू, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मम्मी क्या की है ये लोग एक घंटे से मारा मारी। अरे किसी को खिलाओ सारा मेरा केक दोनों मिलके वो कर दिए। चलो अब दोनों तो थोड़ी देर बैठ जाओ तो चुपचाप। जब एनिवर्सरी होता है तब केक खाने का मन नहीं करता, एकदम मन गुजरी जा जाता है। मम्मी एकदम घूरे जा रही है, मुंह में घूरे जाएगी। हां उल्टी कर रहे थे धानू ही, और बाबू को देखा देख के से ही घूरे जा रही है बस। हैप्पी बर्थडे पापा भी हम बुला रहे हैं। पापा कह रहे अबे लोग बर्थडे मना रहे हैं भैया। पापा जी अबे बर्थडे पापा जी लुंगी पहने लुंगी बुला रहे हो पकड़ो ऐसे मत करो ना बाबू। तो बाबा को बुला के ला पहले बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। बच्चे हमारे खुद ही सबको इकट्ठा कर ले रहे हो, किसी को कोई जरूरत नहीं है, सबको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रही है। फोन करके हो जाएगा बुला लाए झूठा कटला सिया वे खाती है। पापा जी जन्मदिन हमारा। ठंडा है ना, ठंडा के दिन है ना। नहीं लगाओ नहीं लगाओ ठंडा के दिन। नहीं चलो हाथ धुला दो, कपड़ा नहीं खराब करो। रवीना को आ रवीना बाबू देने थोड़ा सा फोन ले लो, मेरा काट के कोटो में दे लो। नहीं लगा नहीं, मैंने पैर ऊपर कर लिया। ऐसे क्या होता हैप्पी बर्थडे बाबू को, अपनी को विश कर दो आज इनका ही बर्थडे। इस साल के बाद मेरे बर्थडे का कोई केक मत भेजना, मैं और कैमरा बन गई। अब भेजना तो इन दोनों को नहीं पता चलना चाहिए। वो खटखटाओ तला दरवाजा का ही सुन ले लो सर।